इसमें सब थे, क्षेत्र के लोग थे, मोदी लालमी राणा साहब प्रताप सिंह जी, साई सिंह जी, भगवान सिंह जी, कांत सिंह जी, बाबा बाबू सिंह जी, हनुमान सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, इन्होंने हमें एक अंतिम टास्क किया कि भाई कितने समय तक बात होती है, आप और हनुमान सिंह जी जाइए, आप सरकार के नुमाइंदा हो, हनुमान सिंह भी उसमें अपना विश्वास रखते हैं, आप जाके सीएम साहब से बात करें, अधिकारियों से बात करो कि भी हमारी ये मांग है। जो आपने टास्क दिया उस टास्क पे हमें हार नहीं मिली है। जो 20 लाख का टास्क था वो 17 लाख में फाइनल हुआ। जो संविदा पे नौकरी का था तो उन्होंने कहा भाई प्रत्येक परिवार के अंदर जो संविदा की नौकरी उसके बारे में आप बात करो, ये बात हम करके आए। जो आप सबकी भावना थी उस हिसाब से सरकार ने जब बात नहीं मानी तो मैं समाज का बेटा हूं, मैं समाज के साथ हूं। जो समाज निर्णय लेगा, मैंने दो दिन तक, तीन दिन तक मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बैठा कि बैठक आप यह थी किसी की जान बचा सके मुझे बता दो, पर आपकी शक्ति प्रदर्शन थे, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब मिल गई। अगर फैसला उनको करना है, अगर कोई सरकार फैसले नहीं करेगी तो अपन सब एक हैं, अपन एक जजम पे हैं। और बंधुओं में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके दिलों दिमाग में कोई मेरे प्रति गलत फहमी है तो आप निकाल देना। मैं ईश्वर साक्षी जाके कहता हूं, मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूं, मैं समाज के साथ हूं, मैं आपका बेटा हूं, चुनाव आते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीते रहेंगे, उसकी परवाह करने वाला उमेश सिंह राठौड़ नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके साथ हूं, और इस मौके पे जो भी पूरे संभाग से लोग आए हैं, मैं और भाई बाबू सिंह जी धन्यवाद देते हैं। इस दुख की घड़ी में शेरगढ़ की जनता के साथ आप खड़े हो, तो अगर हमारे में कभी राव है तो जहां कहीं भी समाज को जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों साथ खड़े होंगे, उम्मीद आपको ना रखें। इसलिए आप कोई चिंता ना करें, अभी निर्णय कुछ हुआ नहीं है, कल आपने जो प्रोग्राम तय किया है उसे हम आपके साथ। उसके बाद में जो बाबा साहब अपने समाज के जिन्होंने मदद की है उनका मैं फड़कने की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी रात की बात करना नहीं चाहता हूँ, आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा, ये आपको हमें आपको भरोसा देता है, यही मैं आपको कहता हूँ।